नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हल्द्वानी के गोलापार में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के बहुउद्देश्यीय खेल मैदान हॉल के पहले फेज का उद्घाटन शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री अरविंद पांडे की ओर से किया गया, जिसमें ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बहुउद्देशीय खेल मैदान हॉल के पहले फेज के उद्घाटन से छोटे बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं खेल मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले बच्चों और युवाओं को स्कॉलरशिप देने की योजना भी उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाई गई है। हल्द्वानी वासियों को मैं इस इंडोर स्टेडियम की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। निश्चित ही कोविड की वजह से कई हमारे खेल की गतिविधियां नहीं, पूरी दुनिया ही उलझ गई थी, बहुत बड़ा संकट था। ईश्वर की कृपा से अब कम हुआ है और तीसरी लहर ना आए, आज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हो गया है। मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इसके साथ साथ जो खेल नीति हमारी बनी है, उस खेल नीति बच्चों के जीवन में उजाला लाए और इसी स्टेडियम का वो इस्तेमाल करें और खेल में आगे बढ़े, उद्यमान खिलाड़ी बने। हल्द्वानी में स्थित गोलापार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का आज उसका प्रथम हॉल का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री अरविंद पांडे और उनके साथ तमाम यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जो है मौके पर मौजूद रहे। वहीं उनके कर्म कमलों से जो है इसका शुभारंभ किया गया। देख सकते हैं इस शुभारंभ में तमाम जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवा जो पीढ़ी है उत्तराखंड की, उनको जो है कहीं ना कहीं आगे एक क्रीड़ा के क्षेत्र में एक आगे बढ़ने का यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इंटरनेशनल लेवल तक के ये स्टेडियम में जो है गेम होंगे। वहीं फुटबॉल और ओलंपिक एसोसिएशन के लोग जो है यहाँ मौके पर पहुँचे और तमाम खिलाड़ी और छोटे छोटे बच्चे भी जो है देख सकते हैं, तमाम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों में खुशी का माहौल है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। और वहीं शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि अगर कोई भी अगर उत्तराखंड का कोई बच्चा या कोई युवा अगर खेल के क्रीड़ा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उत्तराखंड सरकार द्वारा उसको जो है आगे स्कॉलरशिप का भी प्रावधान यहाँ पे बनाया गया है। जिस तरीके से आज यहाँ पे एक फेस का एक मिनी हॉल का जो है यहाँ पे शुभारंभ किया गया और जल्दी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो बाकी स्टेडियम देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे यहाँ पे एक स्टेडियम बन रहा है जिसमें लगातार जो है यहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्रवासी लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। और जिस तरीके से यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्रीड़ा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक नील का पत्थर जो है साबित के रूप में इसको बताया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से आज जो मुख्य अतिथि के रूप में तमाम कैबिनेट मंत्री के साथ साथ यहाँ पे तमाम जो है क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहे और जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्रवासियों ने एक खुशी का जो है माहौल भी देखने को मिला, क्योंकि उत्तराखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का यहाँ पे एक उद्घाटन किया गया है। तमाम यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, जो युवा लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं क्रीड़ा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राकेश जोशी, न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।